हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक पोएम लेके आया हूँ, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ये कक्षा 9 के छात्रों के लिए है, तो इस पोएम को आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। इसमें होता क्या है कि एक लेडी होती है जो बहुत ग्रीडी होती है, बहुत सेल्फिश होती है, बहुत ग्रीडी होती है, और सेंट पीटर जब उसके घर पर जाते हैं तो उस समय वो ब्रेड बेकिंग कर रही होती है, मतलब केक बना रही होती है। और सेंट पीटर दिन भर फास्टिंग करके जब शाम को उसके घर पहुंचते हैं और उससे केक मांगते हैं, जब वो उनको केक देती है तो वो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा केक है, और फिर वो उसको मना कर देती है देने से, फिर दूसरा बनाती है। इस तरह से वो बहुत छोटा पीस भी उनको देने से इनकार कर देती है। तो इस तरह सेंट पीटर जो हैं वो उनको उस लेडी को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि तू एक वुड पैकर बन जा। वुड पैकर कठफोड़ा एक पक्षी होता है जो लकड़ी को खोद कर अपना भोजन प्राप्त करता है। उस महिला को श्राप दे देते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा ग्रीडी हो कि तुम्हें मनुष्य बनने का कोई हक नहीं है। और इस तरह वो लेडी उन पीटर के श्राप के कारण वुड पैकर बन जाती है और अब अपना भोजन सूखी लकड़ियों से खोद करके प्राप्त करती है। तो ये इस कहानी का ऊपर सारांश है। अब मैं इस पोएम को आपके सामने रखता हूँ, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड नॉर्थन एरिया होता है पृथ्वी का, धरती का उत्तरी क्षेत्र, और अ लेजेंड होता है एक प्रचलित कहानी, कोई प्रचलित कहानी है नॉर्थलैंड में, यानी नॉर्थलैंड के एरिया में जो प्रचलित कहानी है उसके बारे में यहाँ हमको कवि बता रहे हैं। दिस पोएम नरेट्स अ लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये कहानी एक लीजेंड है एक ओल्ड लेडी की, हु एंगर्ड सेंट पीटर, जिन्होंने सेंट पीटर को क्या कर दिया, एंगर्ड कर दिया, यानी कि क्रोधित कर दिया, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण। अवे अवे इन द नॉर्थन लैंड वेयर द हाउस ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, दूर दूर उत्तर क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में, दूर दूर, वेयर द आर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन बहुत छोटे होते हैं, एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में जहाँ रात्रि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि उनको सोकर गुजारा नहीं जा सकता, यानी कि रात इतनी बड़ी होती है कि पूरी रात भर आप सोकर गुजार नहीं सकते। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू स्लेज वेन इट्स स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, रेंडियर एक हिरन होते, वहाँ के हिरन होते हैं जो स्नोई क्षेत्र में होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो जोतते हैं टू स्लेज, अपनी गाड़ी को खींचने के लिए, यानी बर्फीले क्षेत्रों में, चूँकि नॉर्थन लैंड है तो निश्चित तौर पर वहाँ बर्फ होगी, तो उस बर्फीले क्षेत्र में वो अपने स्लेज को खींचने के लिए, गाड़ियों को खींचने के लिए रेनडियर को क्या करते हैं, जोतते हैं। व्हेन इट्स स्नो, जब वहाँ बर्फ होती है। द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और उनके बच्चे भालू के बच्चे के जैसे लगते हैं, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि सर्दियों में वो फनी टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं और फरी क्लोथ्स पहनते हैं, बाल वाले, फरी जिन पे फर, जिनमें बाल होते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। वो अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू, तो कहते हैं कि वो अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, आई डोंट बिलीव, कभी कहता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं होता कि दिस इज़ ट्रू, कि ये सत्य होगा, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी तुम्हें एक लेसन सीखने को मिलेगा इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं वह कहानी तुमको बताऊं। तो वहाँ उत्तरलैंड में लोग अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, यद्यपि मुझे नहीं लगता कि ये सत्य है, लेकिन फिर भी अगर आप इस कहानी को सीखोगे तो तुम्हें एक लेसन मिलेगा। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड ब्लो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। एक बार सेंट पीटर
लिव्ड इन द वर्ल्ड, जब वो संसार में रहते थे, सेंट पीटर जब इस दुनिया में रहते थे एंड वॉकड अबाउट इट, और इस पृथ्वी पर घूम रहे थे, प्रीचिंग कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वो किया करते थे, यू नो, तुम जानते हो, यानी सेंट पीटर जब धरती पर थे और धरती के चारों तरफ घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे, ये हम जानते हो, तो क्या हुआ, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन द ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक एंड बेकिंग देम ऑन द हियर्थ. When he came to the door of a cottage, जब वो एक कुटिया के दरवाजे पर पहुँचे, in travelling around the earth, पृथ्वी के चारों तरफ घूम कर, where a little woman was making cake, जहाँ एक औरत, एक महिला केक बना रही थी, and baking them on the hearth, hearth माने होता है भट्टी, तो जब वो केक बना रही थी और उसे भट्टी पर क्या कर रही थी, बेक रही थी, यानी कि सेक रही थी. And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her for her store of cake to give him a single one. और जब वो दिन भर फास्टिंग में थे, दिन भर व्रत उनका था, और जब वो व्रत लेकर के शाम को वहाँ पहुँचे और वो इतने थक चुके थे कि फेंट, उन्हें चक्कर आ रहे थे, भूख के मारे उन्हें चक्कर आ रहे थे सेंट पीटर को, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि लगभग पूरा दिन गुजर चुका था, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, उन्होंने कहा कि उनके पास जो केक थे उनमें से, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि उसको एक केक दे दे, यानी कि एक केक उन्होंने उनसे भिक्षा के रूप में मांगा. सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. जब उस महिला ने उनके लिए एक केक बनाया और जब उन्होंने उसको बेक किया, यानी सेका भट्टी पर, तो उस महिला को लगा कि ये केक बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो इसको देना नहीं चाहती थी. देयरफॉर सी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. तो उस महिला ने फिर से एक छोटा केक बनाया और जब उन्होंने उस केक को सेका, उस महिला ने उस केक को फिर से भट्टी पर सेका, तो उसको लगा कि ये भी बहुत बड़ा है और ये भी वो सेंट पीटर को देना नहीं चाहती थी. देन सी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट सी कुडंट पार्ट इट दैट. फिर से उन्होंने एक छोटा सा डफ, गूदे हुए आटे को बोलते हैं डफ, और टाइनी माने बहुत छोटा और स्क्रैप माने टुकड़ा. तो उन्होंने फिर से एक यानी आटे के का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको रोल कर किया और फ्लैट किया, और फिर से उसको जब बेक किया तो उन्होंने देखा कि वो भी उसको बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगा और वो ये वाला हिस्सा भी उसको देना नहीं चाहती थी. फॉर सी सेड, माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट देम ऑन. कहा कि जब वो अपने केक को बनाती है तो, और जब वो स्वयं उसको खाती है तो उसको वो बहुत कम लगता है, लेकिन जब वो ये किसी को देना चाहती है तो ये बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए उसने उनको फिर से अपने सेल्फ में रख दिया, अपने अलमारी में रख दिया. देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वूमन वॉज इनफ टू प्रवोक अ सेंट. अब सेंट पीटर को, जो कि भूख के मारे चक्कर आ रहे थे, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, और उन्हें क्रोध आ गया, एंड श्योरली सच अ वूमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और इस हरकत ने, उस महिला की इस हरकत ने उन सेंट को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया, मतलब चिढ़ा दिया. एंड ही सेड, उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. तो उन्होंने उस महिला को कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, तुम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकती, यानी कि तुम मनुष्य के रूप में रहने के लायक नहीं हो. यू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास दोनों चीज़ हैं, फूड भी है और शेल्टर भी है, यानी रहने के लिए जगह भी है और खाने के लिए भोजन भी है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और अपने आप को वार्म रखने के लिए आग भी है,
Now you shall build as a bird do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. और उन्होंने उसको श्राप दिया और कहा कि अब तुम्हें अपना जो रहने का स्थान है वो खुद बनाना पड़ेगा, as bird do, जैसा कि पक्षी करते हैं. अब तुम्हें अपने रहने के लिए अपना घोंसला बनाना होगा जैसे पक्षी करते हैं. एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हारे छोटे छोटे स्कैंटी फूड माने भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को प्राप्त करना पड़ेगा. कहाँ से? बाय बोरिंग एंड बोरिंग. आपको यानी कि खोद खोद करके अपना भोजन प्राप्त करना पड़ेगा जैसा कि एक पक्षी करता है, वो भी किस में से? हार्ड वुड में से, हार्ड एंड ड्राई वुड में से, सख्त और सूखी हुई लकड़ी में से आपको अपने भोजन का छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त करने पड़ेंगे. देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर सी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड. और तब ये कहानी कहती है, इस कहानी में कहा जाता है कि वो महिला, जब संत ने उनको ऐसा श्राप दिया कि अब तुम किसी पक्षी की तरह जियोगी और अपना भोजन लकड़ी में खोद खोद कर प्राप्त करोगी, तो उसी पल वो जो महिला है वो चिमनी के थ्रू बाहर वहाँ से ऊपर चली जाती है. और जब बाहर वहाँ से निकलता है तो एक वुडपेकर निकलता है. वुडपेकर जो कठफोड़ा होता है जो लकड़ियों को खोद कर अपना भोजन प्राप्त करता है. फॉर सी वॉज चेंज्ड अ बर्ड, अब वो क्या बन चुकी थी? एक पक्षी बन चुकी थी. सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब उसके सिर पर एक स्कारलेट कैप होता है. आपने जो अगर कठफोड़ा देखा है तो आपने देखा होगा कि उसके सिर पर कुछ कलंगी होती है, कलंगी. तो उसी तरह उस महिला के सिर पर भी कलंगी बन गई. एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. तो जब वो महिला उस समय बैठी थी, उसने अपने सर पर एक स्कारलेट पहना हुआ था. स्कारलेट जो महिलाएं पहनती हैं, तो वो तो वैसा ही रहा उसके सिर पर, लेकिन उसका जो सारा बॉडी था वो क्या हो गया? क्लोथ्स वर बर्न्ड, उसके सारे कपड़े जल गए. ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और काले हो गए जैसा कि कोयला होता है. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन इन हर द इन द वुड वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज स्टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. और अब गांव का, कंट्री मीन्स विलेज, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, अब गांव का हर स्कूल जाने वाला बच्चा हैज सीन हर इन द वुड, उसको देखता है, देखा है, हर बच्चे ने उसको देखा है. कहाँ? इन द वुड माने जंगल में. वेयर सी लिव्स, जहाँ वो रहती है, इन ट्रीज पेड़ों पर. एंड टिल दिस डे, और आज तक. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए केवल क्या करती है? लकड़ियों में बोरिंग करती रहती है, यानी लकड़ी को खोद खोद करके वहाँ से छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको भोजन के लिए प्राप्त करती है. तो ये जो पोएम लिखी है, ये लिखी है फॉफ कैरी ने. और इस कहानी का है, वैलेट का मतलब केवल इतना है कि हमें कभी लालची नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए. सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे एंड कीप कंटिन्यू ऑन योर स्टडी. और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो प्राप्त हो सके. और हाँ, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.